सोना है और ड्यूटी करना है, तो अकेला लाइफ है, तो अकेले लाइफ के जैसा अकेले ही रहना है। तो जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग तो समझ ही सकते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो इट्स ओके, बट कोई बात नहीं, अच्छा है। तो फिलहाल हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम सही हूँ। तो आज मेरा एसिफ्ट ड्यूटी है वार्ड में, तो आज मैं जा रही हूँ अभी वार्ड में ड्यूटी करने के लिए। अभी 6 बजने वाला है और इतना सुबह सुबह उठ के इतना अजीब सा लग रहा, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा, बट नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही। तो आगे देखते हैं आज क्या होता है। ये देखिए सुबह का नज़ारा, अभी सन जस्ट उठा भी नहीं है, मतलब एकदम लग रहा है कि उठने वाला है। और कोहरा, पूरा कोहरा कर दिया गया है, अभी फिर भी थोड़ा साफ हुआ है। ये है सुबह का नज़ारा, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली मैं ड्यूटी पहुंच चुकी हूँ और इधर एक पेशेंट का जेल को लगाया जा रहा है। तो वाइट बेड सीट है, तो होता है ना एक ड्रॉप भी अगर गिरेगा तो लगेगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए उसको शाइड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से सबसे पहले हम लोग जेल को, मतलब एक जेल को लगाना था, ये नया पेशेंट है, तो सबसे पहले जेल को लगाने के लिए हम लोग को वैन अच्छे से ये कर लेना होता है कि आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि कौन से वैन पे हम लोग को लगाना है। तो इस तरह हल्का सा पहले उसको बांध के ट्रिनिकेट से बांधने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करने से वैन थोड़ा ऊपर फ्लैश करने लगता, थोड़ा अच्छे से शो होता है, उठ जाता है। तो उधर उसके बाद ये करने के बाद हम लोग स्प्रिट कॉटन से हम लोग अच्छे से उसको क्लीन कर लेंगे, और अच्छे से क्लीन करने के बाद में फिर हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद में फिर उसके बाद जेल को लेंगे, उसको रैपर से निकालेंगे। उससे पहले सारा उसका सामान उमान रेडी उडी करके रखना है, उसके बाद फिर जेल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जेल को लगाने के लिए क्या करना होता है कि वैन को देखने के बाद देखना होता है कि उसका लेंथ वहाँ पे आ जाएगा ये वो, तो उसके बाद फिर हम लोग लगाना शुरू करेंगे। तो अभी मैं जेल को लगा लेती हूँ। तो जैसे ही हम लोग वैन में डालेंगे तो पूरा एक ही बार में नहीं डालना है, आधा डालना है, उसके बाद में थोड़ा सा उसका क्रिस्टल को खींच के देखना है कि ब्लीडिंग, मतलब ब्लड आ रहा है कि नहीं। जैसे ही ब्लड आएगा मतलब हम लोग सोचेंगे कि हाँ वो सही जगह पे लगा हुआ, उसके बाद फिर ट्यूनिकेट को निकालेंगे। ट्यूनिकेट निकालने के बाद में उसको जो निडल रहता उसको हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको थोड़ा चेक करेंगे कि सही से जा रहा है कि नहीं फ्लूइड, अगर सही से फ्लैश अच्छे से होगा, पेन नहीं होगा, तो फिर हम जेल को फिक्स कर देंगे। और यही है प्रोसीजर। मुट्ठी खोलिए,
ওটাই ভেঙে গেছিল কিসে কি করে পুড়ে গেছিলেন तो फाइनली दो बज चुका है और मेरा ड्यूटी हो चुका है ख़त्म और बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो मज़ा आया आज बहुत वार्ड में ड्यूटी करके बहुत मज़ा आया और देखते हैं फिर अभी नेक्स्ट फ्रेश होते हैं फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली अभी फ्रेश होके मैं खाना खाने बैठी हुई हूँ और बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, थोड़ा देरी लेट हो गया। तो फ़िलहाल तो अभी खाना उना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत थकान फील हो रहा था, बहुत दिन के बाद ये शिफ्ट ड्यूटी किए थे तो, बट काफ़ी मज़ा आया। तो फ़िलहाल तो पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में सोच रहे थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो खाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर देखते हैं क्या करेंगे। मैं ड्यूटी से आ चुकी थी जैसे मैं बताई, उसके बाद आके इतना थकान हो रहा था कि आके ही सबसे पहले फ्रेश हुए, होके लंच किए और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी, मैं सो गई थी। और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी आपका टाइम हो रहा है 7:20 और मैं उठी थी 7 बजे और काफ़ी थकान हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी। अभी फाइनली उठ के अभी थोड़ा फ्रेश अच्छा फील हो रहा है। तो उठने के बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी। तो कल मैं गई थी मार्केट और ये है स्वीट पोटैटो, तो मैं कल स्वीट पोटैटो लेके आई थी। तो ये इसमें है मेरा स्वीट पोटैटो, मैं दिखाती हूँ ये देखिए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैं लेके आई थी, तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लग चुका है और हॉस्टल लाइफ ऐसा ही होता है, बस कुछ भी शॉर्टकट आप खा लो ये कर लो, क्योंकि यहाँ पे मम्मी नहीं होती है या कुछ भी कि मम्मी खाना बना के दे, बस खाना है और सोना है और ड्यूटी करना है। तो अकेला लाइफ है, तो अकेले लाइफ के जैसा अकेले ही रहना है। तो जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग तो समझ ही सकते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो इट्स ओके, बट कोई बात नहीं, अच्छा है। तो फिलहाल अगर आप लोग कोई नहीं खाए होंगे तो कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको मैं बॉईल कर ली हूँ, बॉईल करने के बाद अभी मैं इसको खाने वाली हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ। इस साल तो मैं फर्स्ट टाइम लेके आई, तो देखते हैं। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, थोड़ा गर्म भी है, देख सकते हो पूरा वेपर आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ये हल्का सा बॉईल हो गया लग रहा है। है तो बहुत टेस्टी, मज़ा भी आ रहा, मीठा है, तो फिलहाल मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो उसके बाद आप लोग से मिलते हैं।